तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफे ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। तो जितने भी एसएससी एमटेस 2023 के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आज जो है अभी सीआर रीजन यानी कि सेंट्रल रीजन का जो है एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियली मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डेट ऑफ बर्थ डाल के फिल कर सकते हैं और अपना चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये नहीं मालूम है आपको तो आप सिंपली अपना नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एसएससी के जितने भी रीजन्स हैं सभी रीजन्स का जो एप्लीकेशन स्टेटस आउट कर दिया गया फ्रेंड्स। सिर्फ एमपी रीजन यानी मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है फ्रेंड्स उसको छोड़ करके बाकी सभी रीजन्स का आउट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि मतलब किस तरीके से जो है आपको चेकआउट करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है, यहाँ पर सर्च करना है एसएससी एमटीएस 2023 एडमिट कार्ड, ठीक है, इतना बस लिखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है हरियाणा जॉब्स आपको यहाँ पर लिख देना है एक बार, ठीक है, हरियाणा जॉब्स आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आपके सामने जो है हरियाणा जॉब के नाम से जो आपका लिंक होगा फ्रेंड्स वो जो है सबसे नंबर वन पे ही आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। स्क्रॉल करते हुए आएगा तो यहाँ पर जो आपको रीजन वाइज लिंक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी रीजन्स का जो एक्टिव हो चुका है, आपको जिस भी रीजन का चेकआउट करना है उस पर आप क्लिक करके अपना चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एमपी या रीजन का सिर्फ छोड़ करके बाकी जितने भी रीजन्स है सभी का आउट हो चुका है। जैसे सीआर रीजन का मैं दिखाता हूँ आप सभी को कि जो सेंट्रल रीजन है सेंट्रल रीजन पर आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जो सेंट्रल रीजन का यहाँ पर जो डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपना डिटेल को फिल करके अपना एमटीएस का जो एडमिट कार्ड है, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन स्टेटस ये है तो एप्लीकेशन स्टेटस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जाइए आप लोग चेक कीजिए फटाफट से, सभी लोग जिनका भी सेंट्रल रीजन का था और वेट कर रहे थे तो उनका जो है आउट हो चुका है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टेटस को चेक करने में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बात रहेगी फाइनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए जो स्टेटस में आपका एग्जामिनेशन डेट बताया गया है उसके चार दिन पहले जो आपको फाइनल एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, चार दिन पहले जो है आप उसके लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बात रही कि एमपी रीजन का कब तक आएगा, तो देखिए एमपी रीजन का जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि 25 तारीख से पहले जो है सभी रीजन का आ जाएगा। तो आज तो 23 तारीख है, आने वाले एक दो दिन में आपका एमपी रीजन का भी एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ही आउट होता है तो मैं एक अपडेट आपको दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर भी मैं डायरेक्ट लिंक सेंड कर देता हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस आता है तो आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।